कार्मिक अकाउंट रेमेडीज एंड पूजास। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत से लोगों ने जो है पूछा है हमसे कि हमको इस बारे में जानना है कार्मिक अकाउंट्स का असली मीनिंग क्या है और किस तरह से इसकी रेमेडीज होती हैं नहीं होती हैं और पूजास भी किस प्रकार की होती हैं। तो बहुत टाइम से ये पिछले साल से ये टॉपिक है जो जीमेल पे कई लोगों ने हमको रिक्वेस्ट करी इसके बारे में बताने की। तो टुडे आज मैं इसके बारे में जो है कुछ चीज़ें जो हैं जो सीक्रेट्स हैं इसके वो रिवील करूंगी और क्लैरिटी भी दूंगी उस तरीके से कि जिनको एस्ट्रोलॉजी और ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, मेरा यही हमेशा मकसद होता है कि वो चीज़ें सिंप्लीफाइड वर्जन में जो हर किसी को समझ में आ जाए वो उस तरीके से बताई जाएँ सिंप्लीफाइड उसमें। तो पहला पॉइंट जो मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि पहले तो हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं कार्मिक अकाउंट की, ऐसा मत सोचना कि ये जो कार्मिक अकाउंट है ये हम सिर्फ जो है एक पास्ट लाइफ की पिछले जन्म की बात कर रहे हैं। हम बहुत सारे पिछले जन्म जिसको कहते हैं सीरीज ऑफ जन्म जितने हमने लिए हैं पिछले, हम उनके बारे में जो है यहाँ पे हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं। तो कार्मिक अकाउंट का मतलब हमारे पास ये है कि जितने भी जन्म एक आत्मा ने जिए हैं जो लिए हैं वो हम उतना बैकवर्ड उसमें जाके केस स्टडी करके डायग्नोसिस करके उस चीज को हम पता करते हैं। पहले तो इंसान ने कितने जन्म ये जो है वो लिए हैं, किस योनि में लिए हैं, क्या उसका क्या डिटेल था और क्या दोष थे, क्या उसकी चीजें थी जो उसके इस जन्म में अब कैरी फॉरवर्ड हो रही है। नाउ इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ सबको कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमको लिखा था जो कार्मिक अकाउंट के लिए पूजास के लिए रेमेडीज के लिए आए थे, जो परेशान थे, उनमें से कई तो लोग ऐसे थे जो कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कोई घर दिखता था या फिर उनको कोई ऐसी रोड दिखती थी, जैसे ही वो उस रोड पे या उसके एरिया के आसपास पहुंचते थे उनको एक अनइजीनेस होनी शुरू हो जाती थी। उनको कईयों को ये भी पता होता था कि आगे इस रोड में ये मंदिर है, ये घर है या वो पार्क है या कोई भी मॉन्यूमेंट जो है वो है, ठीक है ना। फिल्मी लगेगा सुनने में लेकिन ये सच्चाइयां होती हैं, ऐसे ही ग्लिम्सेस फिल्म्स में भी दिखाए जाते हैं, स्पेशली इंडियन फिल्म्स में दिखाए जाते हैं कि पिछले जन्म की यादें जो होती हैं कई बार इंसान के दिमाग में इस वक्त भी रिफ्रेश्ड होती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ग्लिम्सेस में होती हैं। तो ऐसे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कहीं कि हमको ये सब चीज़ें क्यों दिख रही हैं। अच्छा ये तो हो गई कि किसी को रास्ते में कोई चीज़ पता चल रही है। कुछ लोग हैं जो जिनको हर रात में सपने आते हैं और वो अपने को किसी इंसान के साथ धुंधली इमेजेस आती हैं, पूरी कहानी पता नहीं चलती अपने बारे में लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो उनको हर रात दिखते हैं और वो उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। कई लोग डर भी जाते हैं कि हमें कौन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है और किस वक्त दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है रात में दिखे, दिन में भी दिख सकता है, ठीक है। तो उन लोगों का जब डायग्नोस किया जाता है तो डायग्नोस में यही देखा जाता है कि उनको अभी ये क्या मैसेज आ रहा है, इस जन्म में उनको ये मैसेज क्यों आ रहा है, क्यों उनको वो धुंधली धुंधली चीज़ें नज़र आ रही हैं अपने बारे में या किसी के और के बारे में भी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आपको डायरेक्ट वो चीज़ अपने बारे में पता नहीं चल रही है, किसी और के बारे में भी पता चल रही है, अपने दोस्त के बारे में जिसके साथ आपका इस जन्म में दोबारा मिलना लिखा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको वीडियो में कवर करना मुश्किल है, बट कुछ मेजर पॉइंट्स जो है मैंने बनाए हैं वो मैं पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर रही हूँ सबको अभी। अब आ जाओ इस चीज पे कि एक केस हमारे पास आया था जिसमें एक लड़की थी जिसकी उसकी मदर के साथ इस जन्म में इतनी ज्यादा खराब रिलेशनशिप थी जिसकी कोई हद नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, मतलब दोनों के बीच में इस तरीके का टकराव रहता था, तनाव रहता था कि मतलब दोनों बैठ नहीं सकते एक साथ, और ये बचपन से चला आ रहा था उसका। और अब वो लड़की बड़ी हो गई थी, 25-26 साल की हो गई थी और हमें और कोई ऐसी नहीं थी कि स्टेप डॉटर सौतेली माँ हो या सौतेली डॉटर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन दोनों की फ्रिक्शन रहती थी हमेशा। वो इतना परेशान हो गई थी हर तरीके से, उसने भी ट्राई करा, उसकी मदर ने भी ट्राई करा कि हम दोनों के बीच में जो है वो सुलह हो जाए या हम लोग आराम से एक साथ बैठ सके, लेकिन ये नहीं हो पाता था। तब उस लड़की ने जो है कुछ ऐसा पढ़ा कुछ गूगल में जाके कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बता सकते हैं या मुझे जो ये हो रहा है उसमें मुझे मदद कर सकते हैं। कईयों के पास गई, होते हुए हमारे पास आई। तो जब उसका डायग्नोसिस हुआ कार्मिक अकाउंट पूजा के लिए, पहले डायग्नोसिस केस स्टडी करनी होती है, तो उसमें ये पता चला कि उसकी बहुत पीछे की लाइफ में, एक पास्ट लाइफ में नहीं, बहुत पीछे की लाइफ में उसने अपनी मदर का मर्डर किया था, ठीक है, और बहुत ही बेरहमी से कहते हैं ना कत्ल किया था, मर्डर किया था, और इस जन्म में
वही जिसका मर्डर किया था वो उसकी मदर बन के आई और साथ में रह रहे हैं, और उसकी मदर इस बार जो है, जो ये तंग हो रही है लड़की, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उस बार मदर ने परेशान करना है। एक बार मर्डर करके, एक बार खून करके, झटके से खून कर देना आसान है, वो मौत आसान है, लेकिन उसको जो इतने साल का जो मेंटल टॉर्चर अपनी मदर के साथ जो हुआ है, वो एक तरीके का बदला है, वो एक तरीके का कार्मिक हमारा बैगेज है जो उसको भुगतना पड़ रहा है। तो वो उसके मन में यही था कि ऐसा क्यों है। जब उसको ये बात पता चली तो पहले तो वो शांत हुई, क्योंकि उसकी जो सवाल उसको इतने परेशान करते थे वो शांत हुए। उसके बाद उस चीज की रेमेडी, उसने कहा कि मैं इसकी रेमेडी भी करवाना चाहूंगी, सिर्फ जानना मेरा मकसद नहीं था, इसकी रेमेडी कराना भी मेरा मकसद है। मतलब मैं इस इक्वेशन को जो है पूरी तरह से खत्म, तो हमने उसको बोला ये चीज नहीं हो सकती, भुगतना तुमको पड़ेगा, इतने और साल दिख रहा है कि तुम्हें भुगतना होगा, लेकिन हाँ उसकी भुगतने की शक्ति हम बढ़ा देंगे और उसको बहुत कम उस तक ले आएंगे, लेकिन उसमें तुम्हारे भी एफर्ट्स लगेंगे, है ना। तो ये चीज बताई गई। तो एक केस ये था मेजर वाला, जो मुझे हमेशा ये याद रहता है केस। दूसरा, अब कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं, अच्छा ठीक है ऐसा तो है कि दीदी आपने बताया कि ऐसा होता है, अब अगर हम ये कार्मिक अकाउंट की पूजाज कराते हैं, रेमेडीज कराते हैं, तो इसका हमें क्या बेनिफिट होगा। अब पहले तो बेनिफिट ये मत सोचना कि कोई जादू हो जाएगा सडनली यहाँ पे, कि यहाँ तुम लोगों ने दी अपनी बुकिंग, मैंने की यहाँ पूजा टीम के साथ और तुम्हारा लाइफ एकदम स्मूथ और सारी नैया चलने लगेगी, ऐसे नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे हम जो पहली बता रहे हैं कि अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लेना कि तुम अपने कार्मिक किसी बहुत पुरानी पास्ट लाइफ को ठीक करके उसके दोषास को मिटाना चाह रहे हो, उसको कम करना चाह रहे हो, ठीक है ना, या फिर आगे वो और चीज ना बढ़े अगले जन्म में। क्योंकि अगर तुमने ये चीज यहाँ नहीं निपटाई इस जन्म में जो तुम्हारे सामने आई है, तो ये अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगी, मतलब तुम्हें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी इस दोष से। जो भी अगर दोष है या कोई भी ऐसा जो चीज है, तो तुमने अपना अकाउंट पूरे करने, तो बेहतरी यही है कि इसी जन्म में जब पता चल चुका है तो इसको निपटा लो, ठीक है। तो कष्ट तो देखो होगा थोड़ा बहुत, तो रेमेडी करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सडनली तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। कईयों के 3 महीने, 6 महीने, कईयों के जो है साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि अगर तुम फिर से ना शुक्रा हुए इस चीज में कि हमने तो पूजा कराई, हमारा तो अब हमने सोचा था ऐसा हो जाएगा कि सब रास्ते हमारे खुल जाएंगे, तो ये गलत फहमी है। इस तरीके से तो कभी इधर तो कॉन्टैक्ट मत करना महाकाली वेदी के लिए शेल्टर में कि सडनली कोई जादू हो जाएंगे, नहीं, ये जरूर हो जाएगा कि तुम्हारे रास्ते कुछ हद तक खुलेंगे, दिमाग की समझ बुद्धि खुलेगी और तुमको सहन शक्ति आ जाएगी कि अगर मैंने किसी का हिसाब करना है या कोई इंसान मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको झेलने की और उससे डील करने का तुम्हें टैक्टिक पता चल जाएगा और बहुत सी चीजें ठीक भी होंगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तुम्हें ये सोचना है कि अगर मैं परेशान हूँ आज की डेट में, उस जब तुम्हें केस स्टडी मिल चुकी है रेमेडी के बाद भी, कि वो चीज कैरी फॉरवर्ड कुछ हद तक हो सकती है, और वो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे खुद के एक्शंस पे डिपेंड करता है। उसमें हमारा एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल टीम, हम मीडिएटर्स हैं, हमारे पास वो शक्ति नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं है कि हम तुम्हारे सारे दोष को खत्म कर दें, अगर ऐसा हो जाए तो हम भगवान बन जाए, है ना, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एक मीडिएटर बनके उस चीज को बता सकते हैं कि कितना ये कम हो जाएगा और कितना तुम्हारे रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन वो कब खुले, कितने महीनों में खुले और कितने हद तक खुले, ठीक है ना, वो जो है वो तुम्हारे खुद के एक्शंस और तुम्हारे जो कहते हैं ना एक ब्लेसिंग ऊपर की, दोष जिनके ऊपर लगे हैं उनके ऊपर बहुत तरीके से डिपेंड करता है। तो ये चीज है, तो ये तो पहले तो रेमेडीज का ये समझ लेना। अब क्यों करानी चाहिए ये भी समझ लो कि क्यों करानी चाहिए, जब हम अगर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा तो भी हमें ये पूजा या हमें ये रेमेडी क्यों करानी चाहिए। भाई देखो, अगर इतना परेशान हो कि रात को भी सपने आ रहे हैं, कुछ धुंधली इमेजेस लग रही है, लाइफ में परेशान हो, किसी रिलेशनशिप को बहुत हर तरीके से ट्राई कर लिया है, कई लोगों की शादियों में इतनी प्रॉब्लम होती है कि एक एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी, 5-6 शादियां कर रहे हैं, उसके बाद भी डिवोर्स ले लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है उतना ट्राई के बाद भी, तो वो थक हार जाते हैं, कहते हैं क्या रीजन क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये पूजाज और ये चीजें जो है रेमेडीज इसलिए फायदेमंद है और करानी चाहिए, क्योंकि एक तो तुम्हें जब पता चलेगा तभी तुम उस चीज का इलाज करोगे, खुद के अंदर भी इलाज करोगे।
अपनी इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर भी इलाज करोगे, दिमाग का भी वो करोगे कि हाँ भाई मुझे इस इंसान के साथ या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील करना है, तो एक तो वो आएगा, प्लस अगला जन्म और ये जन्म को जो तुम अब दोषास को अगर मिटाते हो या कम भी करते हो फॉर दैट मैटर, तो उसमें तुम्हें रिलीफ मिलेगा। भाई तुम अपनी आगे की जिंदगी संवार रहे हो और प्रेजेंट जिंदगी भी संवार रहे हो, लेकिन की क्या है कि पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, अपने को ये नहीं होना है कि सडनली सब कुछ हो जाएगा। ये अगर तुम रखोगे तो तुम अपना एक और कार्मिक अकाउंट बिगाड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें जल्दी फल चाहिए कि मैंने ये काम किया मुझे अब तुरंत फल मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता। तुम्हें अपने को कम्प्लीटली सरेंडर मोड में रहना पड़ेगा, पश्चाताप के उस दृष्टि से लाना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझसे ये जन्म में ये गलतियां हुई थी, अब उस समय तो गलती हुई थी, अब दोबारा नहीं गलती करनी है, उसको सुधारना है, ठीक है। तो ये रीजन है और ये चीजें हैं जो कार्मिक अकाउंट पूजाज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो समझनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं वहां आ जाना है बुकिंग कराने महाकाली वैदिक क्लीनिक सेंटर में कि नहीं जी हमारी बुकिंग कर दो। स्पेशली उन लोगों की बात बोल रही हूँ जिनके पास पैसा है और वो बोलते हैं नहीं हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम देने को तैयार हैं, आप कीजिए। पैसे से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है पेड सर्विस है, फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर सिर्फ इसी चीज की वजह से कि नहीं हमारे पास पैसा है, हमने रेमेडी कराई है, अब हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब यही चीज है, जिन जिन को ये प्रॉब्लम है और जो जानना चाह रहे हैं इस चीज को, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वहां पे एक जीमेल दिया उस पे लिखना डिटेल में, और व्हाट्सएप नंबर दिया उसमें ब्रीफ में लिखना अगर बुकिंग करानी है, जो भी करानी है, ठीक है। नेक्स्ट वीक एक नया टॉपिक फिर से मैं लेके आऊंगी, टिल देन गुड बाय।